फ्रेंड्स, यूपी लेट पेपर फर्स्ट की प्रैक्टिस सीरीज में आज हम लेकर के आए हैं अंग्रेजी भाषा का 7वां प्रैक्टिस सेट। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। तो फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सीरीज का पहला प्रश्न है, माय फादर स्पेस फॉर दिल्ली यस्टरडे। ऑप्शंस हैं लीव, विल लीव, लेफ्ट या विल बी लीविंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेफ्ट, क्योंकि दिया गया सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक आउट द करेक्ट ऑप्शन टू इंडिकेट द यूज ऑफ एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हमारा सेंटेंस है, ए कूल ब्रीज ब्लू फ्रॉम द सी। ऑप्शंस हैं ब्रीज, सी, कूल या ब्लू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कूल। कूल हमारा एडजेक्टिव है, क्योंकि ये ब्रीज यानी हवा की विशेषता बता रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। सेंटेंस है, डू यू यूजुअली गो आउट स्पेस सैटरडे मॉर्निंग्स। ऑप्शंस हैं इन, एट, ऑन या विद इन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑन, क्योंकि हम किसी भी दिन के नाम के पहले, महीनों के नाम के पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस है, आई सी हिम पासिंग अवे माई हाउस एवरी डे। यहाँ पर पासिंग वर्ड हमारा क्या है, ये आपको पहचानना है। ऑप्शंस हैं जीरेंड, प्रेजेंट पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव या ऑब्जेक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेट ऑफ आर्टिकल्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस इन द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस है, द टीचर रोट ब्लैंक आउटलाइन ऑफ ए स्टोरी ऑन स्पेस ब्लैक बोर्ड। ऑप्शंस हैं ए, दूसरा है एन, द, तीसरा है द ए, चौथा है ए और द। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एन और द। तो यहाँ पर राइट हमारे वर्ड फिल होंगे, द टीचर रोट एन आउटलाइन ऑफ ए स्टोरी ऑन द ब्लैक बोर्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस है, प्लीज ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। ऑप्शंस हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। दूसरा, यू आर कमांडेड टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। तीसरा, यू आर एडवाइज्ड टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। चौथा, यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, क्योंकि दिया गया सेंटेंस हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है और इस सेंटेंस प्लीज वर्ड लगा है, इससे शो हो रहा है कि एक रिक्वेस्ट है। अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस में प्लीज वर्ड का यूज हुआ है तो उसको हम चेंज कर देते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है यू, वो हिडन है, अंडरस्टूड है, इसलिए स्टार्टिंग में आ जाएगा यू, यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर आर, उसके बाद रिक्वेस्टेड टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट ए नाउन। यानी दिए गए शब्दों में कौन सा नाउन यानी संज्ञा नहीं है। ऑप्शंस हैं एडवाइस, राइस, डिवाइस, नाइस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइस, क्योंकि नाइस हमारा एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Identify the gerund in the given sentence. Sentence है, reading improves your knowledge. Options हैं, reading improves your knowledge. तो इसका right answer हो जाएगा reading, क्योंकि gerund हमारा verb की first form में ing जोड़ने से बनता है। क्वेश्चन नंबर 69 है,
फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फ्रेजर वर्ब. सेंटेंस है आई वॉज वेरी टायर्ड दिस मॉर्निंग, आई कुड नॉट स्पेस. ऑप्शंस हैं गेट ऑन इट, गेट बाय, गेट अप या गेट राउंड. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेट अप. गेट अप मीन्स होता है उठना. मैं इस सुबह बहुत थका हुआ था इसलिए मैं नहीं उठ सका. क्वेश्चन नंबर 70 है फिल इन द ब्लैंक विद अ सुटेबल डिटरमिनर. यानी सही आपको डिटरमिनर का यूज करना है. सेंटेंस है कुड आई हैव स्पेस कप ऑफ कॉफ़ी. ऑप्शंस हैं अदर, एन अदर, मेनी या फ्यू. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एन अदर. क्वेश्चन नंबर 71 है आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस. सेंटेंस है चिल्ड्रेन लव मेकिंग मड कैसल्स. ऑप्शंस हैं पार्टिसिपल, नाउन, जीरेंड या एडजेक्टिव. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीरेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज नॉट टेक आई ई एस टू फॉर्म ए प्लूरल वर्ड. ऑप्शंस हैं फैमिली, वैली, रिस्पॉन्सिबिलिटी या ब्यूटी. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैली, क्योंकि वैली वर्ड का जब हम प्लूरल बनाएंगे तो उसमें हम एस जोड़ देंगे और ये प्लूरल बन जाएगा. बाकी सब में आई ई एस लगा करके प्लूरल बनाएंगे. क्वेश्चन नंबर 73 है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट एडजेक्टिव. सेंटेंस है देयर इज स्पेस होप ऑफ हिज रिकवरी. ऑप्शंस हैं एनी, एवरी, ए लिटिल या फ्यू. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए लिटिल, क्योंकि लिटिल वर्ड का यूज हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं और फ्यू का प्रयोग हम काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं. हमारा अगला सेंटेंस है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइंड वर्ड्स. सेंटेंस है दे ट्राइड टू फाइंड फॉल्ट विद अस. ऑप्शंस हैं जीरेंड, पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव, वर्ब. तो उसका राइट आंसर हो जाएगा इन्फिनिटिव, क्योंकि इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने से बनता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब चूज. ऑप्शंस हैं चोज्ड, चोज, चूज्ड या चॉइस. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चोज, ऑप्शन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर 76 है फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव. स्पेस यू हेल्प मी. ऑप्शंस हैं वुड, शुड, शैल या मस्ट. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वुड. क्वेश्चन नंबर 77 है ए स्पेस डिजीज इन वन दैट कैन बी पास डन बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट. ऑप्शंस हैं कॉन्टेजियस, 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 कॉन्टेजियस. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कॉन्टेजियस, क्योंकि बाकी ऑप्शंस में स्पेलिंग्स में मिस्टेक्स हैं. क्वेश्चन नंबर 78 है चूज द करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस. सेंटेंस है आई हैव बॉट स्पेस ए बुक. ऑप्शंस हैं हिमसेल्फ, हिम, देमसेल्व्स या योरसेल्फ. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमसेल्फ. क्वेश्चन नंबर 79 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लैंग्वेज स्किल. ऑप्शंस हैं रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, थिंकिंग. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थिंकिंग. क्वेश्चन नंबर 80 है द फेमिनिन जेंडर ऑफ द वर्ड शीप इज मेयर, ईव, विक्सेन या बिच. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईव. हॉर्स का फेमिनिन जेंडर होता है मेयर, फॉक्स का विक्सेन, डॉग का बिच.
क्वेश्चन नंबर 81 है, द अपोजिट ऑफ द वर्ड सेल्डम इज रेयरली, ओकेजनली, समटाइम्स या ऑफन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑफन। सेल्डम कभी कभी, ऑफन मीन्स होता है अक्सर। क्वेश्चन नंबर 82 है, आई शैल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय द लास्ट इवनिंग। द अंडरलाइंड वर्ड्स एक्सप्रेसेस पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्वेश्चन नंबर 83 है, ही वॉज मैरिड स्पेस एन अर्ली एज। ऑप्शंस हैं इन, एट, विद या टू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एट, क्योंकि राइट फ्रेज होता है एट एन अर्ली एज। क्वेश्चन नंबर 84 है, सेलेक्ट द करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन टू कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस है कोलकाता इज स्पेस देन मेनी अदर सिटीज। ऑप्शंस हैं बिग, बिगर, बिगेस्ट या मोर बिगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिगर। क्वेश्चन नंबर 85 है, दे स्पेस द स्टूडेंट्स ऑन एजुकेशन टूर ऑन नेक्स्ट संडे। ऑप्शंस हैं आर टेकिंग, दूसरा वेयर टेकिंग, तीसरा हैव बीन टेकिंग, चौथा हैव बीन टेकन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर टेकिंग। क्वेश्चन नंबर 86 है, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस है इवन मोर वैल्यूएबल इज द टाइम वी स्पेंट विद अवर चिल्ड्रेन। ऑप्शंस हैं इवन मोर वैल्यूएबल, सेकंड है इज द टाइम, तीसरा वी स्पेंड विद, चौथा है अवर चिल्ड्रेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इज द टाइम। क्वेश्चन नंबर 87 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड इन न्यू वर्ड बाय यूजिंग प्रेफिक्स डिस। यानी डिस प्रेफिक्स लगा करके किस वर्ड का निर्माण नहीं कर सकते। ऑप्शंस हैं एग्री, ऑनेस्ट, रियलिस्टिक, लाइक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रियलिस्टिक। ये हमारा बन जाएगा डिसएग्री, यहाँ डिसऑनेस्ट, यहाँ डिसलाइक, यहाँ हो जाएगा अनरियलिस्टिक, यहाँ पर अन आना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 88 है, चूज द सेंटेंस विच हैज ए करेक्ट यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क। पहला है रमेश आस्क्ड गीता वाई सी हैड टोन द बुक। दूसरा है अभिनव विल बाय ए न्यू कार सेड हर मदर। तीसरा है मोहन कम हियर। चौथा ब्रेवो वी हैव वन द मैच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिनव विल बाय ए न्यू कार सेड हर मदर, ऑप्शन नंबर सेकेंड। पहला सेंटेंस हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में है और ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। जब इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो बन जाता है पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की ज़रूरत नहीं होती है। तीसरे विकल्प की बात करें तो यहाँ पर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी विस्मयादिबोधक चिन्ह की जगह पर कॉमा यूज होना था। चौथे विकल्प की बात करें तो यहाँ पर ब्रेवो के बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी विस्मयादिबोधक चिन्ह का यूज होना चाहिए था और कॉमा यहाँ पर गलत तरीके से यूज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 89 है, राम इज ए वेरी गुड बॉय। इन दिस सेंटेंस द वर्ड गुड इज ए एन वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, अल्दो मुकेश हैड सम डाउट्स ही फाउंड द कोर्सेज वेरी यूजफुल। द अबव सेंटेंस इज ए सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या नॉन ऑफ दीज। तो राइट आंसर होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण हम वो एन अल्दो
येट, बिकॉज, आफ्टर, बिफोर, सिंस, इन सब से करते हैं।